हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राविधिक कला से संबंधित स्मृति चित्रण। ठीक है, स्मृति चित्रण, इससे 30 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाता है सेक्शन एफ में। ठीक है, सेक्शन एफ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 अंक का होता है अथवा में रहता है। चाहे आप स्मृति चित्रण करें या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या फिर प्रकृति चित्रण करें, इन सारे क्वेश्चंस में कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। आज वाले सेशन में हम लोग स्मृति चित्रण पे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, और प्रीवियस ईयर में बैडमिंटन से क्वेश्चंस पूछा गया है, साथ ही साथ फूलों की टोकरी, क्रिकेट बॉल, किताब स्टैंड, अटैची, तो इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चंस है, बच्चा जो है वो कूड़ादान में कूड़ा डालता हुआ है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, कैसे आपको बताना है, स्मृति के ऊपर यानी आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी टाइप से आपको बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे और इससे अगर कुछ सीख मिलती है तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करेंगे। फिर भी कहता हूँ जो सबसे सरल वाला कार्य है, सबसे सरल कार्य अपनी रुचि के अनुसार ही पेपर को सॉल्व करना है। सबसे सरल कार्य हमें जो लगता है वो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, और उसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आराम से आपको 30 नंबर दिला सकता है। लेकिन सिलेबस में स्मृति चित्रण भी है, तो मेमोरी ड्राइंग्स को हम लोग देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया कि कूड़ादान में कूड़ा फैलता हुआ एक बालक का चित्र बनाइए। ठीक है, और ये आपकी स्मृति यानी आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। कोई फ्रेम आपको फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा, जबकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जैसे लाल कनेर का पुष्प हो गया या फिर पहेली हो गई कोई, उसे बनाने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखाया जाएगा, जैसे गुलाब का पुष्प हो गया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते थे उसे आपको प्रकृति चित्रण में एग्जामिनेशन हॉल में पहले रखा जाता है, सामने रखा जाएगा, उसे आपको देख देख के बनाना है। लेकिन जो ये स्मृति चित्रण है ये आपकी मेमोरी बेस्ड होता है और इसे आपको फाइनली अपनी मेमोरी के बेस पे ही बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन यही लिखा गया, सड़क के किनारे कूड़ेदान में कूड़ा या कचरा फेंकता हुआ बालक, इसे बनाना है। अब आपको कैसे आप बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको कूड़ादान बनाना है, साथ ही साथ बालक को बनाना है, और हाथ में कुछ कूड़ा लिए हुए डस्टबिन में डालता हुआ शो भी करना है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साइकिल। ठीक है, और साइकिल पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। साइकिल बनाने के लिए भी आपको 30 ही अंक मिलेगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है साइकिल वाला, ये 2015 और 18 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये टफ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल जाता हुआ बालक, ये थोड़ा सा सरल हमें लग रहा है और इसे आप बना सकते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में। ठीक है, स्कूल जाता हुआ लड़का, लड़का से भी क्वेश्चन पूछा गया, लड़की से भी क्वेश्चन पूछा गया, दोनों अलग अलग हैं और दोनों की प्रैक्टिस आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, हेयर स्टाइल अलग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल जाती हुई लड़की, आप देख रहे होंगे, तो स्कूल जाती हुई लड़की का फिगर 2015 में पूछा गया और इसे आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अध्ययनरत छात्रा को आप बना सकते हैं, यानी पढ़ाई करती हुई छात्रा, देख रहे हैं टेबल पर बैठी है और चेयर और टेबल को बैठ के आराम से रीड कर रही है बुक्स। नेक्स्ट है खेलता हुआ बच्चा, अब खेलता हुआ बच्चा भी आप बना सकते हैं, साथ ही साथ हल द्वारा खेत को जोतता हुआ किसान। ये बहुत दुर्लभ चित्र है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हल द्वारा खेत को जोतता हुआ किसान। लेकिन हमें जो सबसे अच्छा लगता है स्मृति चित्रण में वो बैट बॉल हो गया। बैट बॉल के साथ साथ जो सबसे आसान आसान है, जैसे हिरण को बनाना हो गया, थर्मस को बनाना हो गया, या फिर खुली किताब को बनाना हो गया, ये सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, जैसे ये हिरण का क्वेश्चन है, हिरण का क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2016 में हिरण का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, और जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलने वाला है, यानी रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस टाइप से आप हिरण बना सकते हैं, ये थोड़ा आसान फिगर है और इसे आप ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय, राष्ट्रीय पशु है, 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गाय हमारी माता भी है, ध्यान रखना है, इस पर निबंध आरओ में खूब आता था। पहले आप इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जब थे
टेंथ एंड ट्वेल्थ में जब थे उसमें भी क्वेश्चंस खूब पूछा जाता था, लेकिन अब ये प्राविधिक चित्रकला है, स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स है, तो इसमें अब निबंध से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिगर ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ फिगर बनाने के लिए आ गया और वो भी आपके स्मृति पर आधारित होता है। गाय आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा सरल फिगर है, ठीक है। बिल्ली की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में हाथी से क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ एक बार दौड़ता हुआ हाथी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, दौड़ता हुआ हाथी, ठीक है, तो उसकी फिगर अलग बनता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं घोड़ा। घोड़ा 2014 और 16 में फेमस चित्र रहा है और घोड़ा आराम से आप बना भी सकते हैं, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बाघ हो, बिल्ली हो, इससे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और इसे आप बना भी सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, सर मैं सरकारी जॉब में हूँ, उसके बाद क्या यह सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता हूँ, तो भैया आप निश्चिंत कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट सेशन में ही होता है, यानी प्राइवेट मोड में ही होता है प्राविधिक चित्रकला, ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग, तो इसे आप प्राइवेट मोड में ही कर पाएंगे क्योंकि इंटर में सभी जगह व्याप्त नहीं होता और सभी जगह इसकी उपयोगिता भी नहीं होती है, तो इंटर में आप प्राइवेट मोड में ही कर पाएंगे और ख़ासकर इस GIC कॉलेजों में ही मिलता है सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस GIC कॉलेजों में ही मिलता है। मुर्गी पे क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो आप सरकारी जॉब में हो या कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस करना क्या है आपको, प्राइवेट फॉर्म एक सबमिट कर देना है। कुछ लोग एज लिमिट पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी एज लिमिट इतनी हो गई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो निश्चिंत तो होकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही साथ आधार कार्ड अब अनिवार्य हो गया है, तो आपका आधार लगेगा और आधार के साथ टेंथ की मार्कशीट लगेगी, उसकी जेरोक्स, और आधार का जेरोक्स लगेगा, फ़ोटो लगेगा, 3 से 4 फ़ोटो लग सकते हैं और 400 से 500 के बीच आराम से आपका ये पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 400 या 500 रुपये लगता है शुल्क इसका, और इससे आप कर सकते हैं प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट कोर्स और विदाउट बीएड आप आराम से TGT अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बन सकते हैं। बस उसके साथ साथ TGT के लिए आपको करना क्या है, तो TGT में आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। TGT के लिए 10+2 टेक्निकल ड्राइंग के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की डेट में बालक के लिए 710 पद, जबकि बालिकाओं के लिए अलग से पदों का प्रावधान है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर भी विचार होगा और बहुत जल्द हेल्प करने की पूरी चेष्टा की जाएगी। ईंट पर रखी हुई बाल्टी और भगोना बनाना है, थोड़ा दुर्लभ चित्र है लेकिन आप बना सकते हैं, भगोना, बाल्टी और ईंट, ठीक है। नेक्स्ट सूटकेस पे क्वेश्चन पूछा गया, हमने बताया सूटकेस बहुत ही इजी होता है, आराम से इसे आप बना सकते हैं, खुली किताब की तरह होता है और इसकी प्रैक्टिस आराम से आप करके और इसे फिगर ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक, देख सकते हैं। और क्वेश्चन सूटकेस वाला खूब पूछा गया 2009 में भी, 2014 में भी, दौड़ता हुआ हाथी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख रहे हैं कैसे दौड़ता है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल बकेट, यानी बाल्टी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बाल्टी आराम से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हैंडल आपको शो करना है, अब हैंडल आप कैसे शो करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बकेट हो गया, बाल्टी है, ठीक है, और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में। सरल है, आराम से प्रैक्टिस करके आप कुछ भी बना सकते हैं। ये हैंडल वाला कांच का मग है, ठीक है, कांच का मग है हैंडल वाला। अब कांच का मग हो या कोई मग हो, बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस केवल एक सादा पेपर लेना है, उस पर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सादा पेपर लीजिए, उस पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और आराम से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पुनः कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बस प्रैक्टिस सब कुछ करा सकता है आपसे, ठीक है। इस टाइप से आप कांच का मग बना सकते हैं, देख रहे होंगे फिगर कैसा है, पटरी प्रकार और पेंसिल के माध्यम से जो आप बनाएंगे बहुत अच्छा फिगर बनेगा। यह कांच का जग है, तो जग बनाने के लिए आगे नुकीला कर देना होता है, जैसे आपने इस टाइप से ड्रा किया फिगर, और फिगर ड्रा करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नुकीला कर देना है, ठीक है, यहाँ नुकीला कर देना है, ये आपकी तली हो गई और ये आपका हैंडल हो गया, ठीक।
ये हो गया कांच का जग, कांच का जग, ठीक है, ये फिगर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कांच का जग 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, लालटेन से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, 2013 15 16 18 में लालटेन से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है और थोड़ा टफ फिगर भी है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, बना सकते हैं आराम से आप। ये गुलदस्ता पूछा गया है, फूलदान जिसे कहते हैं, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस से ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केतली से क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, केतली भी आप प्रैक्टिस के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, केतली। वीडियो को पॉज करके आराम से आप फिगर को देख लीजिए, उसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब क्वेश्चंस प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कप और प्लेट सरल क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, कप और प्लेट, प्लेट बनाना आराम से बहुत आसान है, ठीक है, और उसमें कप को ड्रा करने का मतलब इस टाइप से हो गया, ठीक है। फिगर को देख देख के आराम से आप उसे महसूस करिए और बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लग रहा है आपको कप और प्लेट, बिल्कुल लग रहा होगा, एक्चुअली में अगर हम पेंसिल से बनाते तो बहुत अच्छा ड्राइंग होता, लेकिन अभी ब्रश कटर और इससे बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिजिटली काम हो रहा है, इसलिए गड़बड़ बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जग है स्टील या पीतल धातु का जग है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी भी प्रैक्टिस आराम से आप कर सकते हैं, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है टेबल लैंप, ये 2014 और 18 का क्वेश्चन है, इसे भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बैट और बॉल, ठीक है, बैट बॉल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन यही है, बैट और बॉल।